फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिक चैनल। आज मैं आपको लाइट एक्टिवेटेड स्विच बनाना बताऊंगा एलडीआर की मदद से। इसमें कंपोनेंट देख लीजिए, आपके रेजिस्टेंस एलडीआर, ट्रांजिस्टर दूसरे रेजिस्टेंस और एक एलईडी है, ये ब्रेडबोर्ड है। चलिए मैं आपको इसकी स्कीमेटिक दिखा देता हूँ। पहले स्कीमेटिक के बारे में बात करते हैं, काम कैसे करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे आपने मेरी पिछली वीडियो भी देख ली है, उसमें मैंने डार्क एक्टिवेटेड बनाया है। सेम कंपोनेंट में उसमें लिए, कुछ एक रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट है थोड़ी सी। देखिए ये 5 वोल्ट से 12 वोल्ट, मैंने 12 वोल्ट यूज़ किए हैं। 330 ओम क्वार्टर वाट एलडीआर 5 mm, 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस, एनपीएन बीसी 547, ये आपका ग्राउंड है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आपको, जब भी आप ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाते हैं, चाहे आप स्कूल्स में बना रहे हैं या प्रोफेशनल्स हैं आप, तो कई लोग क्या करते हैं, इस ट्रांजिस्टर के सिंबल को बिल्कुल इन दोनों लाइन को कनेक्ट कर देते हैं। देखिए इन दोनों को मतलब बिल्कुल जोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, ये इसको जोड़ना नहीं होता, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर जब भी आप सिंबल बनाते हैं तो ट्रांजिस्टर, कई लोगों को मालूम नहीं है, स्टूडेंट्स वगैरह को भी या अपने प्रोफेशनल्स को भी, कि जब भी आप ट्रांजिस्टर का सिंबल ये बनाते हैं, इसको दूर दूर ही रखना है, क्योंकि ये दूर दूर ये मतलब बताता है कि ये ऑफ है, ये अभी ऑन नहीं है, ये हमेशा ऑफ स्टेट में ही बनता है। चलिए अब सर्किट पे आते हैं वापसी, ये काम कैसे करता है। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से प्लस आया, देखिए क्योंकि रोशनी में रहेगा, तो आपको पता है ये लाइट एक्टिवेटेड है, इसलिए प्लस से यहाँ सीधा आया है तो लो रेजिस्टेंस हो गए, रोशनी पड़ते ही इसकी वैल्यू लो हो गई। तो इससे क्या होगा, प्लस यहाँ आ गया, जबकि ग्राउंड से रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम जा रही थी, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे इसके 0.7 हो गया बेस और एमीटर के बीच में, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी ऑन हो गया है। तो अब यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से रेजिस्टेंस होता हुआ, यहाँ से आते हुए ये होते हुए यहाँ से आके ऑन हो गया, क्योंकि इसने ऑन कर दिया बेस ने, तो कलेक्टर से एमीटर तक आ गया और यहाँ पर फिर ये एलईडी ऑन हो गई। जैसे ही हम इसको अंधेरे में लेके आते हैं, इसको अंधेरे में लेके आएंगे, तो इसकी वैल्यू हाई हो जाती है, जिसकी वजह से पॉजिटिव यहाँ नहीं पहुँच पाता और ये ऑफ हो जाता है। चलिए अब मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, मैंने 12 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट कर ली है। देखिए अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये लाइट एक्टिवेटेड स्विच है, कि ये उजाले में चालू रहेगा और अंधेरे में बंद हो जाएगा। देखिए अब फ्रेंड्स, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए देख सकते हैं इसे, तरफ में करके दिखाता हूँ आपको। देखिए 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 बंद हो गया, फ्रेंड्स मैं इसके आपको कंपोनेंट भी दिखा देता हूँ। देखिए मैंने जो लगाए हैं इसमें, देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने BC547 एक ब्लू कलर की एलईडी लगाई है 5 mm की, 330 ओम की रेजिस्टेंस, एलडीआर 5 mm और एक ये 1K की रेजिस्टेंस, ये MFR यूज़ किया मैंने और एक ब्रेडबोर्ड। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपके, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगा।